बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा डे आपका 9th डे है। इससे पहले हम ऑलरेडी 8 दिन से यही चीज और यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो यहाँ पर बेटा मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है कि जो साइन 60 डिग्री है माइनस कॉस 30 डिग्री है माइनस कॉस 60 डिग्री एंड इनटू साइन 30 डिग्री। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है कि पहला आपके पास क्या है, साइन 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री की साइन 60 की बात करते हैं तो आपको पता है अंडर रूट 3/2 क्या है, आपकी वैल्यू होती है। cos 30 डिग्री भी आपका अंडर रूट 3/2 होता है बेटे। cos 60 की बात करते हैं तो आपका cos 60 1/2 होता है और sin आपका 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंडर रूट 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हुआ, 4 हो गया, यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 - 1/4 हो गया। तो यहाँ पर आता है आपका 2/4, दिस इज कॉल्ड 1/2 आंसर आपका आता है। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, इसमें से जरूर जो हम एक्सरसाइज करें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 के बाद बेटा हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें बोलता है कि जो साइन 30 डिग्री है, सेम पूछा गया है कि साइन 30 डिग्री गिवन है, उसके बाद कॉस 60 डिग्री है माइनस 10 45 डिग्री इनटू सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री इनटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस 2 cot 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन जरूर लंबा है लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल और इजी है। यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, सबके एंगल ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी पता है अगर साइन 30 की बात करते हैं तो 1/2 होता है, cos 60 भी क्या होता है आपका 1/2 होता है, माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 10 45 आपका क्या होता है बेटा, 1 होता है। 10 के साथ आपके पास दो चीजें और आ रही है, sec आ रही है। sec किसका उल्टा होता है, आपको पता है कि sec हमारा किसका उल्टा आता है, cos का उल्टा आता है। तो यहाँ पर जो cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पर √3/2 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया है क्योंकि आपको पता है जो sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको यही चीज अप्लाई करनी है। मैंने यही अप्लाई किया कि साइन 30 की जो कॉस 30 की वैल्यू थी उसको उल्टा कर दिया और यहाँ पर आपका जो कॉसेक होता है वो आपका किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, होता है नहीं होता है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, √3/2 होती है, वो भी आपकी क्या हो गई, उल्टी हो गई। प्लस 2 बेटा cot 45 किसका होता है, 10 का अपोजिट होता है। तो आपको पता है जो 10 होता है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है आपका 1/4 बेटा, 4/√3 का स्क्वायर हो गया बेटे, ठीक है, प्लस 2 हो गया, यहाँ पर आपका जाता है 1/4 माइनस 4/3 प्लस आपका 2 हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, आपका 12 आ गया बेटा, 3 हो गया माइनस आपका यहाँ पर आपका आ जाता है 3 आ जाता है, यहाँ पर आपका 16 आ जाता है और यहाँ पर आपका 24 आ जाता है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर आंसर दिख रहा है कि 16 आपका 27 हो गया और आपका 16 माइनस किया तो 11 हो गया, 11/12 आपका क्या हुआ, आंसर आ जाता है। क्या आंसर आ जाता है, 11/12 आपका आंसर आ जाता है। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और उनको इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन में ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैंने इस पे बहुत डिस्कस किया है। तो जिसको भी लीनियर इक्वेशन क्लियर नहीं है वो सीड एकेडमी की वीडियो पे जाकर देख सकता है। और जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपकी कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा।
इसके बाद 16 के बाद हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका सेम एक्सरसाइज का, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि साइन जो ए प्लस बी है, यहाँ पर बोलता है कि जो साइन है वो ए प्लस बी है जो कि इक्वल है 1 के, ठीक है। और दूसरा ये बोलता है कि इसके साथ उसने एक और कंडीशन दे दी, उसने बोला है कि जो 10 है वो 1 माइनस बी है जो इक्वल है आपका 1/√3 के, किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है, ठीक है। और उसने बोला है कि जो ए प्लस बी है वो क्या है, वो 0 से 90 के बीच की वैल्यू है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 के बराबर और 90 से छोटा है, ठीक है। और जो a है वो a इज ग्रेटर देन b है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हमें एंगल निकालने हैं a और b का, ठीक है। तो इन दैट केस इस बार क्या हुआ है, दो एंगल आ गए विद दो इक्वेशन आ गई। तो आप ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर बेटा आप ध्यान रखेंगे, जब a प्लस बी है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप सीधा बात करेंगे साइन की। तो साइन में देखिए कि साइन की वैल्यू में 1 कब आता है, ठीक है। तो अगर हम साइन की बात करते हैं, तो साइन a प्लस बी की बात की, तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन जो 90 डिग्री है बेटा वो क्या होता है आपका 1 होता है, होता है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, सेम साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास पहली इक्वेशन जो आई वो a प्लस बी क्या हुआ, 90 डिग्री आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरी चीज देखते हैं कि 10 की फॉर्म में देखो कि 1/√3 कहाँ पर आता है या नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या देखेंगे बेटा आप, कि जो 10 है वो a माइनस बी है, और अगर बात करते हैं तो 10 जो होता है 30 डिग्री की बात करते हैं तो वो आपका बराबर आता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है आपका, 30 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या हो गई है, दो इक्वेशन आ गई है, एक है a प्लस बी इज 90 डिग्री है और a माइनस बी 30 डिग्री है। तो आप सिंपल साइन को इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ये अगर मैं इक्वेशन 1 मानती हूँ और इक्वेशन 2 को मानती हूँ, तो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देती हूँ, a प्लस बी आपका क्या है बेटा, 90 डिग्री है, और a माइनस बी क्या है बेटा आपका, 30 डिग्री है। तो अगर आप मैं इनको कैंसिल करती हूँ, एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है, और ये दोनों प्लस में है, तो ये आपका 2a हो गया और ये आपका क्या हुआ, 120 डिग्री हो गया। तो a यहाँ से आपका क्या हुआ, 120 डिग्री बाय आपका 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो a की वैल्यू क्या हुई आपके पास, 60 डिग्री आ गई। तो जो एंगल a है वो अगर 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पे या यहाँ पर कहीं पर भी उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी a प्लस बी मैं पहली इक्वेशन में पुट करती हूँ, आप दूसरी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर a क्या है, 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो b यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपका b की वैल्यू क्या आ जाती है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी b आती है 30 डिग्री और a आपकी आती है 60 डिग्री। और यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसकी भी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, क्योंकि उसने बोला था कि जो a है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन b है। आप देख सकते हैं कि जो a है वो 60 डिग्री है, b जो है आपका 30 डिग्री है या नहीं है। और उसके बाद क्या है बेटा, कि जो उसने दूसरी कंडीशन दी थी, उसने दूसरी कंडीशन क्या दी थी, कि 0 डिग्री से जो हमारा a प्लस बी होगा वो बड़ा होगा लेकिन वो इक्वल और ग्रेटर देन हो सकता है 90 डिग्री से भी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 60 और 30 को प्लस करते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो होपफुली आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल भी आप लीनियंसी नहीं दिखाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।